दोस्तों, इसराइल और ईरान के बीच शुरू हुए युद्ध से भारत को इतने फायदे मिलेंगे शायद किसी ने सोचा नहीं होगा। असल में जब से इन दोनों देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, दुनिया के तमाम आधुनिक देश भारत को नई नई डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने में लगे हुए हैं। यदि आप नोटिस करेंगे तो पाएंगे कि कुछ दिनों पहले ही हमने वीडियो में आपको बताया था कि अमेरिका किस तरीके से भारत के साथ मिलकर के फाइटर जेट इंजन तैयार करना चाहता है। साथ ही साथ आज अमेरिका ने स्टेटमेंट दिया है कि वो भारत के साथ मिलकर के लेजर वेपन्स तैयार करेगा और कई एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किए जाएंगे। और उसके एक सप्ताह पहले जर्मनी ने भारत को ऑफर दिया है कि वो भारत के साथ मिलकर के सबमरीन तैयार करेंगे। और अब फ्रांस का नाम सामने निकल के आ चुका है, जहां पर फ्रांस की दिग्गज कंपनी नेवल ग्रुप भारत के साथ मिलकर के एक ऐसी सबमरीन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके मैन्युफैक्चर करने जा रही है, जिसकी मदद से भारत के पास जितनी भी सबमरीन है उनको और ज्यादा ताकतवर बनाया जा सकता है। पूरी रिपोर्ट क्या है छोटे से वीडियो में जानते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लिथियम आयन बैटरीज की, खासकर वो लिथियम आयन बैटरीज जिनका इस्तेमाल सबमरीन के अंदर किया जाता है। यदि आपको याद हो तो साल 2017 में भारत और फ्रांस के बीच में करीब 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के मैन्युफैक्चर का एक समझौता किया जाता है, लेकिन इन पनडुब्बियों में लेड एसिड बैटरीज का इस्तेमाल किया जाता है। अब लेड एसिड बैटरीज साइज में बहुत ज्यादा बड़ी होती हैं, वजन में बहुत ज्यादा होती है और इनकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा कम होती है। साथ ही साथ इनको चार्ज करने डिस्चार्ज करने में बहुत ज्यादा समय लगता है। वहीं फ्रांस की कंपनी नेवल ग्रुप और भारत के माजा कॉन्टैक्ट शिप लिमिटेड के बीच में होने वाली पार्टनरशिप की मदद से अब भारत के अंदर ही इन लिथियम आयन बैटरीज को तैयार किया जाएगा, जिन्हें सीधे सबमरीन में इंस्टॉल किया जाएगा और इससे सबमरीन की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। पानी के अंदर जाना ऊपर आने की जो टाइम ड्यूरेशन है ये अचानक से चेंज की जा सकती है। यहाँ पर बैटरीज को चार्ज करने में बहुत ही कम समय लगेगा और जितना वेट एक लेड एसिड बैटरी को लेकर के चल रहे थे उसकी तुलना में हम करीब दो दो उसी पावर की लिथियम आयन बैटरीज इंस्टॉल कर सकते हैं। यानी कि एक पूरी पूरी फ्लीट हमारे बैकअप की तरह रहेगी। कभी भी दुश्मन का कोई बड़ा हमला होता है तो भारत की ये सबमरीन आसानी से सर्वाइव कर सकती है। आसान भाषा में कहें तो हमारी सबमरीन को अब नई ताकत मिलने वाली है, जिससे ये लंबे समय तक पानी में रह सकती हैं, क्योंकि लिथियम आयन बैटरीज बहुत ही कम रखरखाव और मेंटेनेंस मांगती हैं और लंबे समय तक चलने वाली ये बैटरीज हैं। अच्छी बात यह है कि फ्रांस भारत को ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हुए इन बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर ही शुरू करेगा, उसके बाद इन्हें सबमरीन के अंदर इंस्टॉल कर दिया जाएगा। साथ ही आज का हमारा सवाल ये है कि दुनिया में चल रहे छोटे मोटे वॉर से दुनिया के तमाम आधुनिक देश भारत जैसे देशों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हैं, क्योंकि हमारा किसी भी देश के साथ कुछ खास कॉन्फ्लिक्ट नहीं चल रहा। क्या कुछ मानना है आपका, कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।